झारखंड सरकार द्वारा दुर्गा पूजा की विशेष गाइडलाइन को लेकर महागामा पुरौनी दुर्गा मंदिर का SDO ने किया औचक निरीक्षण। साथ ही मंदिर प्रांगण में 2 गज की दूरी पर पैन से घेराव कराया गया एवं SDO जितेंद्र कुमार ने कहा कि 7 पूजा से 10 पूजा तक मंदिर एवं मंदिर के प्रांगण में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है एवं बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। दुर्गा पूजा का अवसर है इसलिए श्रद्धालु लोग उत्साहपूर्वक मनाते हैं, लेकिन इस बार कोविड के चलते राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार के प्रदेश किए हैं उसका अनुपालन सही ढंग से हो इसके लिए पूजा समिति के जो पदाधिकारी हैं पूजा समिति के सदस्य हैं और अपने पदाधिकारी काफी पदाधिकारी नगर परिषद के सारी व्यवस्था का हमने जायजा ले रहे हैं और निमंत्रण कार्रवाई और सब लोग अच्छे से अंदाज से पूजा अवसर मना रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल करें, समिति का भी पालन करें और जो मर्यादाएँ हैं जो बनी रखनी चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा कोशिश करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी गलत गोड्डा SP YS रमेश के निर्देशानुसार पूरे जिले में बाल अपराध एवं साइबर क्राइम से बचाव एवं सतर्कता को लेकर सभी स्कूल कॉलेजों में महागामा थाना प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आज जवाहर नवोदय विद्यालय ललमटिया, SDN एकेडमी महागामा, कैनवर्स कंप्यूटर महागामा के बच्चों को जागरूक किया गया। महागामा थाना SI संतोष यादव ने कहा कि वर्तमान समय में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर 12 से 20 वर्ष के उम्र के ही लड़के होते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी अच्छे लड़कों से दोस्ती करें एवं गलत संगत में ना पड़ें एवं लड़कियों को शक्ति ऐप के बारे में बताया गया। उन्हें कहा गया कि इस ऐप को डाउनलोड कर कहीं भी मुसीबत पड़ने पर उसे शक्ति ऐप के माध्यम से सहायता मिल सकती है एवं महागामा थाना से जुड़े मोबाइल नंबर भी सभी को दिया गया। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के जरिए जो ठगी चल रही है उनके बारे में भी सभी को बताया एवं उनसे सतर्क रहने को कहा गया। पड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव स्टार प्रचारक के रूप में बोरमो में कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव के प्रचार कर रहे हैं। वर्तमान में झारखंड और बिहार दोनों जगह पर चुनाव हैं। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव है वहीं झारखंड के बोरमो और दुमका विधानसभा में उपचुनाव है और इस क्रम में सभी नेता अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दुमका पंचायत के पश्चिमी दक्षिणी भाग को समस्याएं हैं, समस्याएं तो सब दिन रहेगी। उन्होंने जैसे यहाँ पानी की समस्या लोगों ने बताई है कि पानी की विकट समस्या, हम लोग चाहेंगे कि जब चुनाव हम सब जीतेंगे और उस दिशा में प्रयास रखती है कि जिस मोहल्ले जिस टोले में पानी नहीं है वहाँ पानी का स्थायी व्यवस्था, कई योजनाएं अभी कोरोना के कारण भी कम की हुई है। मुझे लगता है कि अब थोड़ी दिसंबर माह से इन योजनाओं में गति आएगी जिस चीज का बेरोजगारी तो इस राज्य की ही नहीं पूरे देश की समस्या है, लेकिन हमें लगता है केंद्र सरकार जिस तरह से बेरुखी कर रही है इस बेरोजगारी समस्या से, उनको लगता ही नहीं कि बेरोजगारी कोई राज्य स्तर पर हम सब नीति बना रहे हैं। झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों के हाथों में कैसे रोजगार मिले, जो पिछली सरकार से लोग खड़ा हुआ महत्व किया है, लगता है उस दिशा में जल्दी एक सक्रिय प्रयास जाते हैं। उनकी बातों पर बहुत वजन नहीं देना, सुबह क्या बोलेंगे शाम क्या बोलेंगे बेचारे को पता नहीं है, कल क्या बोलेंगे भी पता नहीं, बहुत हल्के हो चुके हैं। और हमें लगता है जब से चुनाव हारे थोड़े मानसिक रूप से हमें भी लगता है कि थोड़े कमजोर। ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र के चपरी गांव में रेखा देवी की जमीन में दीदी बाड़ी योजना का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जिला परिषद सदस्य निरंजन पोद्दार एवं BPM वासुदेव शाह आदि ने फीता काट कर किया। आज पुलिस केंद्र सिकटिया में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। SPY S रमेश ने पुलिस केंद्र में शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मौके पर SDO अरविंद कुमार सिंह भी मौजूद थे।